सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। अगर आप भी अपने स्मार्टफोन से कुछ इस तरह का न्यू ट्रेंडिंग कपल फोटो को बनाना चाहते हो जो कभी एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ही वायरल हो रहा है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, आपको अपने फोन के गूगल चाहे क्रोम को ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है बींग इमेज क्रिएटर। सर्च करने के बाद आपको सिंपली फास्ट मूव्स का एक वेबसाइट शो हो जाएगा, आपको इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लॉग इन करने के लिए बोलेगा, जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है। लॉग इन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक सर्च बार का ऑप्शन शो होगा, जहाँ पर कि आपको क्लिक करके आपको अपने प्रॉम्प्ट्स को इसमें ऐड करना होगा। तो मैंने अपने प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पर कॉपी कर लिया है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ पहले इसको यहाँ पर पेस्ट करके। तो यहाँ पर जो मैंने प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके पेस्ट किया है, इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप लोग चाहो तो वहां से उसको देख कर यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। टाइपिंग करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक नेम का ऑप्शन शो होगा, जहाँ पर कि आपको अपने नेम को ऐड करना है, जिस भी नेम से आप अपने फोटो को बनाना चाहते हो। यहाँ से मैंने एग्जांपल के लिए अपने नेम को ऐड किया हुआ है, ठीक है। नेम को ऐड करेंगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से करना है क्रिएट पे क्लिक। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से मेरा कितना प्रोफेशनल कपल फोटो बन के आ चुका है, जो कि अभी एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत ही वायरल हो रहा है। तो इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से करना है किसी एक फोटो पे क्लिक, और आपको इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ मैं फिर से बैक करके। आपको जाना है फिर से सर्च बार पर। सर्च बार पाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक रेड का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ से रेड को कैंसिल कर देना है। रेड को कैंसिल करेंगे और आपको यहाँ पर ब्लू टाइपिंग करना है, ठीक है। ब्लू टाइपिंग करेंगे और आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पिंक से भी एक चेयर रेड का ऑप्शन, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर भी जाना है और यहाँ से भी आपको रेड को कैंसिल करके आपको यहाँ पर ब्लू टाइपिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों जगह पर ब्लू टाइपिंग कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से करना है फिर से क्रिएट पे क्लिक। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैंने इसमें ब्लू कलर को टाइपिंग किया है, तो यहाँ से मेरा फिर से ब्लू कलर में इमेज बन के आ चुका है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल देखने में लग रहा है। इतना करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको, फिर से सर्च बार पर जाएंगे और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू को रिमूव करके। ब्लू रिमूव करेंगे और आपको यहाँ से इसमें ब्लैक को टाइपिंग करना है। ब्लैक टाइपिंग करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको ब्लैक को टाइपिंग करना है। बिंग से बैक चेयर के जस्ट साइड में क्लिक करके आपको यहाँ पर भी ब्लैक को ही टाइपिंग करना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक व्हाइट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से पहले व्हाइट को यहाँ से रिमूव करना है और आपको यहाँ पर रेड टाइपिंग करना है, ठीक है। रेड लाइटिंग वॉल को टाइपिंग कर देंगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से करना है फिर से नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक। यहाँ से मैंने एग्जांपल के लिए अपने नेम को भी चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ करना है फिर से क्रिएट पे क्लिक। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैंने इसमें ब्लैक को टाइपिंग किया, तो यहाँ से मेरा फिर से ब्लैक इमेज बन के आ चुका है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से जाना है सर्च बार पर। सर्च बार पर आएंगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से पहले ब्लैक को रिमूव करना है और आपको यहाँ पर ग्रीन टाइपिंग करना है, ठीक है। ग्रीन टाइपिंग करेंगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर भी जाना है और आपको यहाँ पर भी ग्रीन को ही टाइपिंग करना है। ग्रीन टाइपिंग करेंगे, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से करना है फिर से क्रिएट पे क्लिक। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपका फिर से प्रोफेशनल फोटो बन के आ जाएगा। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैंने इसमें ग्रीन कलर को टाइपिंग किया है, तो यहाँ से मेरा फिर से ग्रीन कलर में फोटो बन के आ चुका है। जो जो चीज आप यहाँ पर टाइपिंग करोगे, आपके यहाँ से फोटो में वो चीज जनरेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ से ग्रीन को रिमूव करके, ठीक है। और यहाँ पर आपको रेड टाइपिंग करना है, यहाँ पर भी जाएंगे और यहाँ पर भी आपको रेड ही टाइपिंग करना है। रेड टाइपिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है रेड लाइटिंग वॉल का ऑप्शन, ठीक है। पहले आपको यहाँ से रेड को रिमूव करके आपको यहाँ पर व्हाइट को ही टाइपिंग कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ करना है फिर से क्रिएट पे क्लिक। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से मेरा फिर से प्रोफेशनल फोटो बन के आ चुका है, जो कि आप अपने स्मार्टफोन से बिल्कुल फ्री में जनरेट कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ करना है फोटो पे क्लिक, इसको डाउनलोड कर लेंगे। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना है, और साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।